जी सभी को नमस्कार। मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर चंद्र प्रकाश 27 नक्षत्र बैंगलोर से। तो आज का यह प्रोग्राम शुरू करते हैं। यह एक निःशुल्क क्वेश्चन आंसर सेशन है। ज्योतिष संबंधित किसी तरह का कोई भी प्रश्न है आपके पास तो कृपया हमसे कनेक्ट होइए इस लाइव सेशन में। आपको करना क्या है, आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान और एक मुख्य प्रश्न कमेंट में लिखना है। अगर आपने कोई रत्न रुद्राक्ष धारण करा है तो वह भी उसी कमेंट में लिखना है आपको। अगर किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रश्न पूछना चाहते हैं तो उस व्यक्ति का नाम भी अवश्य लिखें। तो कृपया आप लोग लाइन पे जुड़िए, हमसे कनेक्ट होइए और अधिक से अधिक लाभ उठाइए इस प्रोग्राम का, जो कि पूरी तरह से निःशुल्क है। एक घंटे का प्रोग्राम है और जो लोग भी चाहें वो हमसे जुड़ सकते हैं, इसके कोई भी चार्जेस नहीं है। जो लोग ज्योतिष सीखने के इच्छुक हैं वो हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी भाषा में प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं। वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, हमारे एप्लीकेशन का भी लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जा सकते हैं। मुझे आप लोग फॉलो करें, फेसबुक लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। डेली का जो भी ये प्रोग्राम होता है फेसबुक लाइव का और इसी तरह के अन्य उपयोगी जो भी पोस्ट है वो प्रतिदिन फेसबुक पर, फेसबुक की पोस्ट और अन्य पोस्ट, फेसबुक का यह जो लाइव प्रोग्राम है इसकी रिकॉर्डिंग और अन्य ज्योतिष संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां वह नित्य हमारे YouTube चैनल पर डाली जाती हैं। कृपया हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और उससे लाभ उठाइए। उसमें कई तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र इत्यादि भी दिए जाते हैं। तो हमारे YouTube चैनल का लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। जो लोग कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं वो जो पर्सनली कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं वो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पर कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं या व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, हमारा स्टाफ उनको गाइड कर देगा। और जो लोग अभी प्रश्न पूछना चाहते हैं कृपया एक ही कमेंट में अपना नाम, जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान और एक मुख्य प्रश्न अवश्य लिखें और शेयर जरूर करें। जब तक आप शेयर नहीं करेंगे आपको शेयर का टैग नहीं मिलेगा और जब तक टैग नहीं मिल पाएगा तो प्रश्न लेने की संभावना नहीं बन पाएगी। तो कृपया आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी प्रश्न पूछना चाहते हैं ज्योतिष संबंधी वो एक ही कमेंट में अपनी सारी डिटेल्स डालें और साथ में इस प्रोग्राम को शेयर करें। इस प्रोग्राम को शेयर करना है, तात्पर्य मेरा यह है, नीचे आपके स्क्रीन में एक शेयर का बटन होगा, उससे अन्य ग्रुप में आप इसको शेयर कीजिए, तभी आपको शेयर का टैग मिलेगा और आपके प्रश्नों को लेने की संभावना बनेगी। कोई भी प्रश्न कितनी भी बार आप डालते हैं वो उतना मायने नहीं रखता जितना कि आपके शेयर का टैग। अगर आप शेयर करते हैं, लाइक करते हैं तो आपके प्रश्न को लेने की संभावना बनती है। तो जैसे जैसे लोग शेयर करते रहेंगे उनके प्रश्नों को हम लेते रहेंगे और ये प्रोग्राम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। प्रश्न लेना शुरू करने से पहले सभी से कहना चाहूंगा कृपया शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आपके प्रश्नों को लिया जा सके। प्रश्न स्पेसिफिक होना चाहिए, एक ही प्रश्न होना चाहिए। अधिक प्रश्न होगा तो तब भी एक का ही उत्तर दे पाना संभव हो पाएगा, अधिक व्यक्तियों के प्रश्नों को लेना संभव, एक ही व्यक्ति से अधिक प्रश्नों को लेना संभव नहीं हो पाता है। जी तो आज 30 नवंबर है और यह प्रोग्राम शुरू हो चुका है, काफी लोग जुड़ रहे हैं। कृपया जो लोग जुड़ रहे हैं लाइक का बटन प्रेस करते रहें, प्रोग्राम को शेयर करते रहें। शेयर का टैग कई लोगों को मिल चुका है और उनके प्रश्नों को हम लेना जल्द ही शुरू करने वाले हैं। जो लोग भी प्रश्न डाल रहे हैं यहाँ पे कृपया जब तक उनका प्रश्न ना हो जाए कम से कम तब तक तो जरूर कार्यक्रम में बने रहें, क्योंकि दो या तीन बार अनाउंसमेंट करने के बाद यदि आप प्रोग्राम में नहीं उपलब्ध रहते तो आपके प्रश्नों को लेने की संभावना नहीं बन पाती है। जी हम अगला प्रश्न लेने जा रहे हैं अभी।
सोवन धर जी का। सोवन धर जी अगर आप लाइन पे हैं तो कृपया लाइक बटन प्रेस करें। सोवन धर जी अगर आप लाइन पे हैं तो कृपया लाइक बटन प्रेस करें ताकि आपके प्रश्नों को लिया जा सके। सोवन धर जी आप लाइन पे हैं तो लाइक बटन प्रेस करें। जी तो हम सोवन धर जी का प्रश्न लेने जा रहे हैं और सभी लोगों का पुनः मैं स्वागत करना चाहूंगा। कारण रोज मैं सभी का नाम तो नहीं ले पाता हूं क्योंकि मेरा ध्यान होता है कुंडली विश्लेषण में, तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। सोवनधर जी आप लाइन पे रहें, लाइक बटन प्रेस करते रहें, आपका प्रश्न लिया जा रहा है अभी। जी सोवनधर जी ने जो अपना डिटेल्स दिया है हमें उसके अनुसार 1/11/1990 जन्म समय सुबह के 6 बजे का है और जन्म स्थान ढाका बांग्लादेश का है। लाइन पर रहे आप। जी आपके डिटेल्स डाल रहा हूं, आप लाइन पे रहें कृपया। सभी लोग कृपया प्रोग्राम को शेयर करते रहें ताकि शेयर का टैग मिले और आपके प्रश्न को लिया जा सके। जी तो सोनधर जी आपका प्रश्न आपने जो पूछा उस और अपने डिटेल्स उसके अनुसार हमने जन्म कुंडली हमारे समक्ष है और आपका जो प्रश्न है वो है करियर एंड मैरिज लाइफ के बारे में। जी एक ही प्रश्न पूछना है तो मैं करियर के बारे में ले रहा हूं, एक दिन में एक व्यक्ति से एक ही प्रश्न, तो करियर के बारे में आपका प्रश्न ले रहा हूं। अभी शुक्र की महादशा चल रही है और जो अंतरदशा चल रही है वह चल रही है राहु के बारे में, राहु की अंतरदशा है। आप लोग ध्यान दें कृपया करियर के बारे में और आपने जैसे प्रश्न किया है तो ये कोई प्रश्न नहीं हुआ। करियर में क्या पूछना चाहते हैं, ऑलरेडी आपकी जॉब है या आप ये पूछना चाहते हैं कि भविष्य में जॉब होगी या नहीं होगी, इस प्रकार स्पेसिफिक सवाल पूछिए। आप पूछ रहे हैं कि करियर कैसा होगा, करियर के बारे में बताइए, उसमें बहुत से प्रश्न आते हैं तो स्पेसिफिक प्रश्न पूछिए। ये डिलेमा वाला प्रश्न है, ठीक है, स्पेसिफिक प्रश्न होना चाहिए ताकि उसका उत्तर दिया जा सके। जी लाइन पर है शुक्र का, शुक्र की महादशा भी चल रही है और अंतरदशा राहु की चल रही है जो कि मार्च 2023 तक है। लाइन पर है जी, राहु चतुर्थ भाव में विराजमान है और उसके स्वामी शनि तृतीय भाव में है। शनि यहां पर नौमेश भी है। शुक्र की बात करें लग्न में, लग्नेश है वो जी, चंद्रमा जो कि आपके प्रोफेशन हाउस के स्वामी हैं वो द्वादश भाव में चले गए हैं। किसी शुभ ग्रह की दृष्टि जो चंद्रमा है वो षष्ठ भाव में चले गए हैं, जिन पर किसी अन्य ग्रह की शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, गुरु की पड़ रही है और गुरु उच्च के हैं, ये अच्छी बात है। ध्यान दें कृपया चंद्रमा आपके त्रिक भाव में विराजमान है और केमद्रुम दोष बना रहे हैं। चंद्रमा को आप मजबूत कीजिए, डिग्री वाइज मजबूत हैं, आप शिव जी की आराधना कीजिए और दो मुखी रुद्राक्ष धारण कीजिए, रत्न धारण नहीं करना है आपको। और शुक्र में राहु का समय चल रहा है, यह समय ठीक है। आपका मन में ढेर सारे प्लान भी आ रहे होंगे, ढेर सारे प्लान भी आ रहे होंगे, हालांकि उनको पूरा करने में थोड़ी सी समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन इस समय आपका मन बहुत भटकाव लिए रहेगा, तरह तरह के प्लान आएंगे। और जो प्रोफेशन हाउस के स्वामी हैं चंद्रमा, वो छठवें में चले गए हैं, ठीक है, तो प्रोफेशन से संबंधित थोड़ी समस्याएं भविष्य में भी रहेंगी। लेकिन आपने करियर के बारे में पूछा है तो वर्तमान समय तो ठीक ठाक ही चल रहे हैं,
ज्यादा ऐसी कोई समस्याएं नहीं है, लेकिन चंद्रमा को आपको मजबूत करना है। दोमुखी रुद्राक्ष धारण कीजिए, शिवलिंग पर प्रतिदिन जल चढ़ाइए। आपने कोई स्पेसिफिक प्रश्न नहीं पूछा है, तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अभी का समय ठीक चल रहा है, इसके बाद गुरु का भी समय है। और गुरु मैं देख पा रहा हूं गुरु उच्च के हैं, हालांकि वो त्रिक भाव के स्वामी हैं, लेकिन यहां पे उच्च के हैं। अभी गुरु का समय चलेगा मार्च 2023 से और 2025 तक, डिग्री वाइज भी ठीक है, तो ये गुरु का समय अच्छा चलने की संभावना बनती है। और आप कंपटीशन की तैयारी कीजिए, ये समय आ रहा है जो गुरु का है 2025 नवंबर कंपटीशन की दृष्टि से बहुत अच्छा समय है आपका। आप एग्जाम दीजिए, संभावना बनती है जॉब की। तो मार्च 2023 से नवंबर 2025 ये समय आपका करियर की दृष्टि से अच्छा होने वाला है जी। धन्यवाद। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न लेने से पहले सभी से कहना चाहूंगा कृपया शेयर करते रहें, जो लोग शेयर करेंगे उन्हीं के प्रश्नों को लिया जाएगा जी। प्रोग्राम को शेयर करते रहें आप लोग, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्योतिष सीखने के इच्छुक लोग हमारे वेबसाइट पर जाएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। जी प्रतिभा बिष्ट जी, प्रतिभा बिष्ट जी उत्तराखंड से हैं, पिथौरागढ़ से, इन्होंने प्रश्न पूछा है। प्रतिभा बिष्ट जी आप लाइन पे हैं तो लाइक बटन प्रेस करें, आपका प्रश्न लिया जा रहा है। प्रतिभा बिष्ट जी जी धन्यवाद, सभी लोग लाइन पे बने रहें, जो लोग भी प्रश्न डालते हैं अंत तक आप लोग बने रहें, प्रोग्राम को अधिक से अधिक शेयर करें। तो प्रतिभा बिष्ट जी ने जो समय डाला है, डेट ऑफ बर्थ डाली है 24 अगस्त 1979 यानी 24/8/1979 यानी रात के 9:38 का समय है इनका। और पिथौरागढ़, कृपया लाइन पे रहे, डिटेल सेंटर की जा रही है। जी अभी जो हम प्रश्न ले रहे हैं, ये प्रश्न है प्रतिभा बिष्ट जी का 24/8/1979 9:38 PM पिथौरागढ़ उत्तराखंड। इनका प्रश्न है, मेरे लाइफ की प्रॉब्लम्स या हेल्थ कंडीशन में इंप्रूवमेंट कब तक होगा? जी आपने ये नहीं बताया किस प्रकार की प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं, लाइन पर रहिए आप जी। पहली बात तो आपकी कुंडली में आंशिक काल सर्प दोष बन रहा है, काल सर्प दोष की शांति कराइए आप कहीं से, या फिर राहु केतु के मंत्रों का जाप किया करें प्रतिदिन, ओम राम राहवे नमः, ओम केम केतवे नमः। तो अच्छा तो यही होगा कि इनकी शांति करा लें आप, तो बहुत सी बाधाएं आपकी ऐसे ही दूर हो जाएंगी। आंशिक काल सर्प दोष है, आप लोगों ने सुना होगा, बहुत से विद्वान कहते हैं कि काल सर्प दोष नहीं होता है जी। अगर हम नहीं भी माने कि नहीं होता है, तब भी राहु और केतु के बीच में ग्रहों का आना एक विशेष परिस्थिति को बताता है। ऐसा सभी की कुंडली में तो नहीं होता, ये एक सामान्य घटना तो नहीं है, तो इसका प्रभाव होता है ठीक है। तो राहु और केतु यहां पर आंशिक काल सर्प दोष बना रहे हैं। आपने पूछा है कि लाइफ में आने वाली समस्याएं और जो इनका हेल्थ है उसमें इंप्रूवमेंट कब तक होगा, लाइन पे रहे। अभी गुरु की महादशा चल रही है और अंतरदशा चल रही है शनि की, गुरु की महादशा है, गुरु उच्च के हैं आपकी कुंडली में, हालांकि कमजोर हैं, फिर भी डिग्री वाइज अंश बल में कमजोर दिख रहे हैं, ये 29 डिग्री के हैं। और इनमें जो अंतरदशा चल रही है जी, अंतरदशा से पहले बताना चाहूंगा, गुरु आपकी कुंडली में
उच्च के हैं, अंश बल में कमजोर हैं, ये नॉमेस हैं और द्वादश भाव के भी स्वामी हैं। हॉस्पिटल तो आपको ये हॉस्पिटल के चक्कर तो ये फिर भी लगवाएंगे, हालांकि ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल जाते रहना पड़ेगा आपको। रेगुलर ट्रीटमेंट आप लेते रहें जब भी आवश्यकता हो। और जो अंतर्दशा चल रही है अभी आपकी, अंतर्दशा शनि की चल रही है जो कि जून 2024 तक है। शनि की बात करें तो शनि जी आपके पांच ग्रह नवम भाव में है। शनि की बात करें शनि अस्त हो गए हैं और शनि का अंतर्दशा चल रही है। शनि आय भाव और प्रोफेशन हाउस और इनकम हाउस के स्वामी हैं यहां पर, और वही अस्त चल रहे हैं। सूर्य देव ने उनको अस्त कर रखा है। कृपया शनि को एक्टिवेट कीजिए, अन्यथा आपके करियर संबंधित समस्याएं आएंगी, इनकम संबंधित समस्याएं आएंगी। 4, 5, 6, 7, 8, 1, 9 और 10 जी, करियर संबंधित फाइनेंशियल कंडीशंस भी खराब करेंगे ये, और जो भी इनकम के स्रोत हैं वो उतना अच्छा काम नहीं करेंगे। तो कृपया शनि को एक्टिवेट करें, शनि की शुभता लाएं। हो सके आप तो एक सात मुखी रुद्राक्ष धारण करें आप, या शनि देव के बीज मंत्र का जाप करें। हमारे YouTube चैनल में शनि देव बीज मंत्र नाम से बीज मंत्र है, 108 बार काउंटेड है, लिखा हुआ भी वहां पे है, और आप सुनते हुए भी आप बोल सकते हैं या रुद्राक्ष माला पे 108 बार जप कर सकते हैं। कृपया ये करें, लाभ होगा। शनिवार को शनि जी के मंदिर में सरसों के तेल का दिया जलाएं, हनुमान जी की आराधना करें। और जो गुरु की बात कर रहे हैं हम, गुरु भी अस्त हैं। ये समय आपका अच्छा नहीं चल रहा है। गुरु उच्च के तो हैं, ठीक है, लेकिन गुरु अस्त हैं। गुरु उच्च के हैं लेकिन गुरु यहां पर अस्त दिखा रहे हैं जी। तो गुरु की भी आराधना करनी है आपको, गुरु के बीज मंत्र का भी आप जाप करें, और पांच मुखी रुद्राक्ष। तो आपको मैंने क्या बताया, एक पांच मुखी रुद्राक्ष और एक सात मुखी रुद्राक्ष, ये दो रुद्राक्ष लाल धागे में करके विधि विधान से धारण करें, आपको लाभ होगा। इनके बीज मंत्रों का जाप करें, समय अच्छा चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, समय अच्छा चलना शुरू हो जाएगा। मेडिकल कंडीशन में भी आपके सुधार आएगा जी। धन्यवाद। ये प्रतिभा बिष्ट जी का प्रश्न था। अगला प्रश्न लेते हैं, जो मैं देख रहा हूं स्क्रीन पे कि बहुत से लोग प्रश्न तो डाल रहे हैं लेकिन वो शेयर नहीं कर रहे हैं। अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो आपके प्रश्नों को लेना संभव नहीं होगा। इस प्रोग्राम को शेयर करें दूसरे ग्रुप में। आपकी स्क्रीन पर आप नीचे देखेंगे तो एक शेयर का बटन होगा, उस शेयर के बटन को क्लिक करें, दूसरे ग्रुप में शेयर करें। आपको शेयर का टैग मिल जाता है जो हमें दिखता है यहाँ पे, तब आपके प्रश्नों को लिया जा सकेगा। सभी के लिए बोलना चाहूंगा, कृपया शेयर करते रहें। अगला प्रश्न लेते हैं माही अजय जी, आपने कल कोई प्रश्न पूछा था, कल या परसों, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। खैर, आपने अभी जो प्रश्न पूछा है हम उसको लेते हैं। अगर आप लाइन पे हैं तो लाइक बटन प्रेस करें। माही अजय जी, आप लाइन पे हैं तो लाइक बटन प्रेस करें ताकि आपके प्रश्न को लिया जा सके। माही अजय जी जी, अगर आप लाइन पे हैं तो लाइक बटन प्रेस करें। आप लाइक बटन प्रेस नहीं कर रहे हैं इसका मतलब कि आप लाइन पे नहीं है, और आप लाइन पे नहीं है तो आपके प्रश्नों को छोड़ दिया जाएगा, और आपके प्रश्नों को छोड़ा जाएगा तो दोबारा आज की डेट में तो नहीं लिया जा सकता, ले पाना संभव नहीं होगा। जो भी लोग हैं कृपया शेयर का टैग जरूर लें, तभी आपके प्रश्नों को लिया जा सकेगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद माही अजय जी का प्रश्न ले रहा हूं मैं। इन्होंने अपना प्रश्न पूछा है मनी के बारे में जी। माही अजय जी, आपका प्रश्न लिया जा रहा है। सभी लोग तब तक प्रश्न डालें, एक ही कमेंट में नाम, जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान, मुख्य प्रश्न और रत्न या रुद्राक्ष धारण किया हुआ है तो वह भी अवश्य लिखें। माही अजय जी, आपका प्रश्न लिया जा रहा है, आप लाइन पे बने रहें। 22/8/1990 शेयर जरूर करते रहे आप लोग, प्रोग्राम को लाइक करते रहे। शेयर नहीं करेंगे तो प्रश्न लेना संभव हमारे लिए नहीं हो पाता है। 22/8/1990 सुबह के 7:05 का समय है, 7:05
5 मिनट का समय है और लुधियाना इन्होंने पूछा है मनी के बारे में। लुधियाना जी, आपकी जन्म पत्रिका हमारे समक्ष है, सिंह राशि और सिंह लग्न की जन्म पत्रिका है माई अजय जी। राहु की महादशा चल रही है अभी और जो अंतरदशा चल रही है वह शनि की है 10-11 जी। लाइन पर हैं आप जी, 7-8 जी। संभावना बनती है कि आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हो सकते हैं, ठीक है। आप फाइनेंशियल कंडीशन में थोड़ी सी आपको समस्या बन सकती है, ये ध्यान रखें। हो सके तो ऋण ना लें किसी से, यह समय वैसे भी भटकाव का है, आपके मन में तरह तरह के भटकाव आएंगे जी, तरह तरह के प्लान आएंगे आपके दिमाग में, लेकिन आप उसको पूर्ण करने में कई बार असफल हो जाएंगे। कुछ दिन आप वो अपना जो भी प्लान होगा उसके अनुसार काम करने की इच्छा होगी, करने की कोशिश करेंगे, फिर सोचेंगे कुछ नया प्लान बनाएं, इस प्रकार के विचार आएंगे आपके। लाइन पे रहे आप। बुद्ध की बात करें तो बुद्ध लग्न में है और वो धन भाव और आय भाव दोनों के स्वामी है। बुद्ध को मजबूत करना होगा आपको। शनि 26 डिग्री है अभी और शनि की दृष्टि अगर मैं देखूं सप्तम दृष्टि पड़ रही है आय भाव जी। शनि की आराधना कीजिए आप। शनि अपनी सप्तम दृष्टि से और दशम दृष्टि से आय भाव और धन भाव दोनों को प्रभावित कर रहे हैं और ये ऋण भाव के भी स्वामी हैं और इन्हीं का समय चल रहा है। कृपया शनि जी की आराधना शुरू कीजिए, इनके बीज मंत्रों का जाप कीजिए, एक सात मुखी रुद्राक्ष धारण कीजिए। हमारी वेबसाइट में आपको रुद्राक्ष मिल जाएगा की और शनि आराधना जरूर कीजिए। शनि जी के मंदिर जाइए, हनुमान चालीसा का भी पाठ करें तो अति उत्तम, क्योंकि आपकी कुंडली में जो मंगल है वो 1 डिग्री के हैं, मंगल 1 डिग्री के हैं, दशम भाव में विराजमान है और चलित कुंडली में वो अपनी ही राशि में जा रहे हैं। ये भाग्य से मंगल, लेकिन आपके मंगल बहुत कमजोर हैं, मंगल को आपको मजबूत करना है। हनुमान चालीसा जरूर पढ़िए, हो सके तो एक आप रत्न धारण कर लें, अगर दूसरे रत्न धारण नहीं किए हुए हैं कृपया एक मूंगा धारण करें। अब आपके नाम से हमें नहीं पता चल पा रहा है कि यह कुंडली स्त्री की है या पुरुष की है, तो कृपया ध्यान रखें, अगर ये पुरुष की कुंडली है तो दाहिने हाथ में, स्त्री की कुंडली है तो बाएं हाथ में, इस उंगली में ये कौन सी उंगली है, अनामिका उंगली, रिंग फिंगर, एक लगभग 6.25 रत्ती का मूंगा धारण करें जी। बहुत बहुत धन्यवाद। फाइनेंशियल कंडीशन के लिए मैंने बताया, शनि को अभी अच्छा कीजिए, मंगल की आराधना कीजिए, बुध 3-6 जी, बुध की लोकेशन बहुत अच्छी है जहां बैठे हैं, लेकिन कमजोर है। गणेश जी की आराधना अवश्य कीजिए, बिना गणेश जी की आराधना के संभव नहीं हो पाएगा धन का आगमन, ठीक है। ये धन भाव और आय भाव दोनों के स्वामी बनते हैं। तो इस प्रकार जो स्थितियां थी जो वर्तमान में मुझे दिख रही हैं वो मैंने आपको बता दी, आप उपाय कीजिए, लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद माही अजय जी जुड़ने के लिए। इसके अलावा भी जो लोग भी जुड़ रहे हैं कृपया प्रोग्राम को शेयर करते रहे। जो लोग सीखने के इच्छुक हैं ज्योतिष वो हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट www.27nakshatram.com और हमारा एप्लीकेशन भी है प्ले स्टोर पे 27nakshatram के नाम से, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, कृपया जाइए। यूट्यूब चैनल में जाइए, सारे मंत्र मिलेंगे जो आपको काम आएंगे, जो मैं यहां बोलता रहता हूं। मुकेश कुमार जी का प्रश्न लेते हैं। मुकेश कुमार जी, अगर आप लाइन पे हैं तो कृपया लाइक बटन प्रेस करें ताकि आपके प्रश्न को लिया जा सके। मुकेश कुमार जी लाइन पे हैं तो लाइक बटन प्रेस करें ताकि आपके प्रश्न को
लिया जा सके। जी धन्यवाद मुकेश कुमार जी जुड़ने के लिए। आपका प्रश्न लेते हैं। मुकेश कुमार जी ने प्रश्न किया है अनुष्का जी के लिए, कृपया लाइन पर रहें, आपके प्रश्न को ले रहा हूं। तीन नौ चौरानवे और 4:25 AM 4:25 सुबह का समय है और जन्म स्थान इन्होंने लिखा है बिहार शरीफ। लाइन पे रहे आप, बिहार शरीफ। बिहार शरीफ तो सिस्टम नहीं ले रहा है, कृपया लाइन पर रहें आप बने रहें। मैं नालंदा ले रहा हूं क्योंकि नालंदा डिस्ट्रिक्ट आपका पड़ता है, जो यहाँ पे आपने लिखा हुआ है बिहार शरीफ नालंदा डिस्ट्रिक्ट। इनका विवाह किस साल होगा, यह प्रश्न है। 3/9/1994 4:25 सुबह का। जी मुकेश कुमार जी ने प्रश्न किया अनुष्का जी के लिए इनके विवाह के बारे में कि विवाह कब होगा, तो हम भी मान के चल रहे हैं कि विवाह नहीं हुआ है। वर्तमान में केतु की महादशा चल रही है और जो अंतरदशा चल रही है वह चंद्रमा की है, जो अभी पिछले महीना ही शुरू हुई है। केतु में चंद्र, लाइन पर रहे आप। कृपया लाइन पर रहें। जी चंद्र की अभी अंतरदशा चल रही है, इसके बाद मंगल की अंतरदशा आएगी। चंद्रमा बैठे हुए हैं द्वादश भाव में, इसके बाद मंगल का समय चलेगा। मंगल स्वयं नौमे से, मंगल स्वयं नौमे से कुंडली में और मंगल आय भाव में विराजमान है और मंगल का समय चलेगा मई 2023 से अक्टूबर 2023 तक। और अगर मैं गोचर भी देख लेता हूं, कृपया लाइन पर रहें, तो कृपया लाइन पर रहें, कृपया लाइन पर रहें। 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 1 10 जी ओके। गुरु पारा 1 2 3 3 4 5 5 6 7 7 7 लाइन पे रहे हैं आप। 1 2 3 4 5 6 7 बुध 7 8 9 कृपया लाइन पे रहे। गुरु की स्थिति 12 में है। शनि विराजमान है यहाँ पे और मंगल की बात करें हम तो मंगल विराजमान है यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 1 8 1 9 ये अभी प्रभावित नहीं कर रहे हैं। और मंगल अगर गुरु की दृष्टि हम गुरु की अगर हम डिग्री को देखते हैं तो गुरु 4 डिग्री पे है, गुरु अभी 4 डिग्री पे है। लाइन पे रहे आप। जी उसके बाद मंगल की बात करते हैं। मंगल बैठे हुए हैं 2 नंबर पे, 1 2 3 4 ये तो प्रभावित करना है। जी 2023
2023-2024 ध्यान रखें, मई तक तो वैसे भी संभावना नहीं दिख रही है, ठीक है, चंद्रमा का समय है, मई तक संभावना नहीं दिख रही है, लेकिन मई 2023 के बाद संभावनाएं बन सकती हैं। दो ग्रह आपके सपोर्ट कर रहे हैं गोचर के, गुरु फिलहाल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। गुरु जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे, लाइन पर हैं जी, गुरु राशि परिवर्तन करेंगे, गुरु जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे उस समय संभावना बनेगी। गुरु अभी मीन राशि में है और गुरु जैसे ही मेष राशि में जाएंगे तो इस कुंडली में वो नवम भाव पर गोचर कर रहे होंगे, वो नवम भाव को अपने प्रभाव में लेंगे। और अगर उस समय भी गोचर की स्थितियां शनि और मंगल की सपोर्ट करेंगी, जैसे कि अभी सपोर्ट कर रही है बट गुरु सपोर्ट नहीं कर रहे, तो गुरु जैसे ही सपोर्ट करेंगे गोचर में, गोचर इनका बदलेगा, वैसी संभावना बनेगी। तो 2023 में मई के बाद से लेके और 2024 तक, 23-24 में मतलब 24 के अंदर इनके विवाह की संभावना बन रही है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। 2024 के अंदर अक्टूबर से पहले पहले इनके विवाह की संभावना मुझे दिख रही है। 24 जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी आपको जुड़ने के लिए। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न लेने से पहले सभी से कहना चाहूंगा, जो लोग भी जुड़ रहे हैं कृपया लाइक बटन प्रेस करते रहें, प्रोग्राम को शेयर जरूर करें। अगर आप प्रोग्राम को शेयर करेंगे तब आपके प्रश्नों को लेने की संभावना बढ़ जाती है जी। तो कृपया प्रोग्राम को शेयर करें, शेयर का टैग अवश्य लें, शेयर करेंगे तो शेयर का टैग मिलेगा। अगला प्रश्न लेते हैं हम रीमा एन जी का। रीमा जी, अगर आप लाइन पे हैं तो कृपया लाइक बटन प्रेस करें। रीमा जी, अगर आप लाइन पे हैं तो कृपया लाइक बटन प्रेस करें ताकि आपके प्रश्न को लिया जा सके जी। रीमा एन जी का प्रश्न लिया जा रहा है। इन्होंने प्रश्न किया है प्रिया नायक जी के लिए। आप लाइन पे रहें, कुछ प्रश्न में अधिक समय देना पड़ता है, कृपया बोर मत होइएगा। प्रिया नायक जी का प्रश्न है ये, प्रिया नायक जी के लिए प्रश्न है, रीमा जी ने पूछा हुआ है। जन्म जो डेट ऑफ बर्थ है 8/5/1992 का है, 8/5/1992 और जन्म समय इन्होंने दिया है 8:30 सुबह का। और जन्म स्थान दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, दुर्गापुर जी, दुर्गापुर बिहार में ले रहा है रीमा एन जी। कृपया क्लियर कीजिए दुर्गापुर बिहार में है या वेस्ट बंगाल में है, क्योंकि जो सिस्टम है वह बिहार ले रहा है। मैं वेस्ट बंगाल में भी मैन्युअली सर्च कर रहा हूं, कृपया लाइन पे रहें। कृपया लाइन पे रहें, आप ही के प्रश्न को लिया जा रहे हैं जी। एक दुर्गापुर हमें मिल चुका है, लाइन पर है हाँ जी। तो 8/5/1992 8:30 सुबह का जन्म है दुर्गापुर वेस्ट बंगाल। रीमा एन प्रिया जी के लिए, रीमा जी ने प्रश्न पूछा प्रिया नायक जी के लिए। देखते हैं प्रश्न क्या है इनका। जरकॉन पहनी हूं और 11/6 मुखी रुद्राक्ष धारण की है, क्वेश्चन शादी कब होगी। लाइन पर रहे आप कृपया लाइन पर रहे, आपके प्रश्न को ले रहा हूं, आप लाइन पे बनी रहे हैं।
जी हाँ, तो रीमा एन जी ने प्रिया नायक जी के लिए प्रश्न किया है कि शादी कब होगी। इन्होंने जरकान धार जरकान या जरकन रत्न धारण कर रखा है और इन्होंने 11 और 6 मुखी रुद्राक्ष धारण कर रखा है। लाइन पर रहें, आपके विवाह संबंधित प्रश्न है कि शादी कब होगी। मैं अभी इसी पे देख रहा हूँ। बुद्ध की महादशा चल रही है जो कि सितंबर 2027 तक है और जो अंतरदशा वर्तमान में चल रही है वह राहु की है। वर्तमान में जो अंतरदशा चल रही है वह राहु की है। आप लाइन पे रहें। राहु आपकी कुंडली में नीच के हैं। दूसरी चीज, ये विवाह में विलंब करा सकते हैं। अभी राहु की ही अंतरदशा चल रही है, क्षमा करें, राहु की अंतरदशा सितंबर में जस्ट खत्म हुई है। अभी राहु की अंतरदशा सितंबर में खत्म हो चुकी है, अभी गुरु का समय चल रहा है, गुरु की अंतरदशा चल रही। तो बुद्ध की महादशा और गुरु की अंतरदशा है, गुरु की अंतरदशा है और विवाह का समय चल रहा है। आपकी कुंडली में मैं गुरु को देख पा रहा हूं कि गुरु सप्तमेश हैं और दशम भाव के भी स्वामी हैं, तृतीय भाव में बैठे हुए हैं। यह विवाह का समय चल रहा है ऑलरेडी। मंगल राव जी, 2024 से पहले पहले आपका विवाह होने की पूरी संभावना बन रही है। 2024 से पहले पहले विवाह की पूरी संभावना बन रही है। जरकन आप ना पहने तो अधिक उत्तम है, आप वो ना पहने और लाइन पे रहें थोड़ा सा जी। उसको पहने की आवश्यकता नहीं है, आप ना पहने आपको नुकसान करेगा। जरकन आप ना धारण करें। रुद्राक्ष पहन रखा है, अच्छी बात है, जरकन आप ना धारण करें। और अभी गुरु का समय चल रहा है, गुरु डिग्री वाइज भी अच्छे हैं, इनके लिए भी कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, गुरु के लिए भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर आप करना चाहें तो एक येलो सफायर पीला पुखराज धारण कर सकते हैं, बाएं हाथ की तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में, लगभग 6.25 रत्ती का एक पीला पुखराज येलो सफायर धारण कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट में आपको मिल जाएगा, लिंक दिया हुआ है हमारे डिस्क्रिप्शन में। बाकी 2024 से पहले पहले आपका विवाह हो जाएगा, समय विवाह का ऑलरेडी चल रहा है। तो आप प्रयास कीजिए, बिना प्रयास के ग्रह भी कुछ नहीं कर पाते हैं, आप प्रयास कीजिए, विवाह की संभावना बन रही है जी। बहुत अच्छा, एक चीज और बताना चाहूंगा, कुंडली देखा मैंने तो यहां मुझे एक चीज दिख रहा है, लग्नेश बहुत कमजोर है, 1 डिग्री के हैं, कृपया एक ये पन्ना, एमराल्ड बोलते हैं पन्ना, ये बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली में अवश्य धारण कीजिए। रिपीट कर रहा हूं, बाएं हाथ की छोटी उंगली में अवश्य धारण कीजिए, बहुत आपको लाभ होगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको प्रोग्राम से जुड़ने के लिए, लाइक करते हुए ही जाइएगा रीमा जी। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न लेने से पहले सभी से कहना चाहूंगा कि जो लोग भी जुड़ रहे हैं कृपया प्रश्न डाल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, प्रश्न के साथ साथ प्रोग्राम को शेयर कीजिए, नीचे शेयर का बटन होता है, शेयर कीजिए। अगला प्रश्न लेने जा रहा हूं हर्षवर्धन तोड़ी जी का जी। हर्षवर्धन तोड़ी जी अगर आप लाइन पे हैं तो कृपया लाइक बटन प्रेस करते रहें। हर्षवर्धन तोड़ी जी अगर आप लाइन पे हैं तो लाइक बटन प्रेस करते रहें ताकि आपके प्रश्न को लिया जा सके। हर्षवर्धन तोड़ी जी जी धन्यवाद, हर्षवर्धन तोड़ी जी का प्रश्न लिया जा रहा है। सभी लोग, जो भी लोग जुड़ रहे हैं, कृपया आपने अपनी डिटेल्स डालें, एक ही कमेंट में डिटेल्स डालें। रत्न रुद्राक्ष कुछ धारण किया है तो भी बताएं। कई बार क्या होता है कि रत्न रुद्राक्ष आपने जो धारण किया है हमें नहीं पता होता है और हम अपना उपाय दे देते हैं, कोई दूसरा रत्न। सभी रत्न सभी के साथ नहीं पहने जा सकते हैं तो इसलिए हमें यह भी पता होना जरूरी है। तो कोई भी आदमी प्रश्न डालता है, अगर कोई रत्न रुद्राक्ष धारण किया है तो कृपया रीमा जी की तरह आप लोग भी उसका जिक्र जरूर करें यहां पर, और प्रोग्राम को शेयर करते रहे, शेयर का टैग लेंगे तभी आपके प्रश्न को देखा जा सकता है। कोई कुंडली विश्लेषण मेरे से अगर कराना है, इच्छुक हैं तो कृपया नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाएं, हमारे स्टाफ आपको जो भी फॉर्मेलिटीज हैं वो आपको बता देंगे जी। धन्यवाद, अगला प्रश्न लेते हैं हम। तो हर्षवर्धन तोड़ी जी का प्रश्न है,
1/1/1983 1/1/1983 और जो समय है इनका 1:18 सुबह का, जन्म स्थान इन्होंने लिखा हुआ है कोलकाता। जी हर्षवर्धन जी, आपकी कुंडली हमारे समक्ष है और आपने जो प्रश्न किया है वह है कि कोई काम नहीं हो रहा है, वांट टू नो अबाउट माई करियर, लाइन पर रहें। अभी केतु की महादशा चल रही है और जो अंतरदशा है वह बुध की चल रही है। केतु की महादशा और बुध की अंतरदशा लाइन पर है। पहली बात बताना चाहूंगा कि आपका कहीं भी मन नहीं लग रहा है, मन स्थिर नहीं है, एक केमद्रुम दोष होता है जो चंद्र यहां पर बना रहे हैं, तो आपका कहीं मन नहीं लग रहा होगा। वैसे इस दोष में थोड़ी सी कमी आएगी क्योंकि गुरु अपनी नवम दृष्टि से चंद्र पर अमृत वर्षा कर रहे हैं, तो इस दोष में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन फिर भी प्रभाव रहेगा। कॉन्फिडेंस लेवल की थोड़ी सी कमी महसूस हो रही होगी आपको, मन बहुत भावुक होगा, ध्यान रहे मन स्थिर नहीं होगा, मन स्थिर नहीं होगा, चंचलता लिए हुए होगा। हालांकि चंद्रमा अपने ही राशि के हैं, मतलब कर्क राशि में विराजमान है, दशम भाव में। खैर, आपका प्रश्न है कि करियर संबंधित आपका प्रश्न है, कोई काम नहीं हो रहा है, वांट टू नो अबाउट माय करियर, तो केतु की महादशा है और केतु विराजमान है, तृतीय भाव में विराजमान है, गुरु के घर में है, गुरु स्वयं द्वितीय भाव में विराजमान है और जो अंतरदशा चल रही है वह बुध की चल रही है। बुध को देखूं अगर तो बुध नवमेष है लेकिन साथ में द्वादश भाव के भी स्वामी है, बुध उच्च के मंगल और शुक्र के साथ विराजमान है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जी कुंडली तो काफी अच्छी है, 3-3 ग्रह यहां पर, 4 ग्रह उच्च के हैं आपकी कुंडली में, 4 ग्रह उच्च के हैं, शनि, केतु, मंगल और राहु, और डिग्री वाइज भी लगभग ठीक ठाक हैं। और केतु जो कि उच्च के हैं इनकी ही महादशा चल रही है, और जो बुध हैं, बुध में यहां पे कमी क्या आ रही है, बुध नवमेश तो है, भाग्य भाव के तो स्वामी है, लेकिन यहां पर बुध द्वादश भाव के भी स्वामी है जो कि व्यय का भाव है, अनावश्यक खर्च दे रहे होंगे ये यहां आपको, हालांकि आपके भाग्य को भी ये जागृत करेंगे लेकिन अनावश्यक खर्च दे रहे होंगे। आपने बोला कि कोई काम नहीं बन रहा है, वैसे मुझे तो ऐसी कोई संभावना दिख नहीं रही, कोई काम नहीं बन रहा तो होल्ड करें कृपया। जी ऐसी कोई संभावना मुझे नहीं दिख रही है कि काम ना बने, हालांकि केतु की दृष्टि पड़ रही है, किस पे पड़ रही है, नवम भाव पे पड़ रही है और नवमेश की ही दशा चल रही है। आपको हॉस्पिटल के खर्चे भी ये करा सकते हैं इस समय केतु और बुध का जो समय चल रहा है, हालांकि बुध का समय अभी मार्च 2023 में खत्म हो रहा है और तभी केतु का महादशा भी समाप्त हो रही है, इसके बाद जो समय चलेगा वो शुक्र का चलेगा। शुक्र आपकी कुंडली में 0 डिग्री है, शुक्र आपकी कुंडली में 0 डिग्री पे विराजमान है और 2 और 7 वो लगने से कृपया शुक्र को मजबूत करें, शुक्र का रत्न धारण न करें, आप एक 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करें और लक्ष्मी जी की आराधना करें, शुक्र के बीज मंत्र का जाप करें। बीज मंत्र हमारे वेबसाइट में, लिंक दिए हुए हैं, क्षमा करें हमारी वेबसाइट में नहीं, हमारा जो डिस्क्रिप्शन है वहां पे यूट्यूब चैनल है, वहां पे जाइए, शुक्र का बीज मंत्र आपको यूट्यूब चैनल पे हमारे मिल जाएगा। शुक्र के बीज मंत्र का जाप करें और एक
छह मुख रुद्राक्ष धारण करें, इत्र का प्रयोग करें, परफ्यूम का प्रयोग ना करें। ये आप कीजिए, ये आप कीजिए, अभी मार्च 2023 के बाद से आपके समय में बहुत सुधार आएगा, आपके समय में बहुत सुधार आएगा। लग्नेश का समय है लेकिन शुक्र को मजबूत करना है। आपके जो लग्नेश शुक्र है वो बहुत कमजोर है, इसीलिए आपके काम नहीं बन रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जो लोग भी जुड़ रहे हैं हमसे, कृपया प्रश्नों को शेयर करें, कृपया प्रश्नों को यहां पे शेयर करें और हमारे प्रोग्राम को अन्य ग्रुप में शेयर करें। शेयर का टैग आएगा तभी आपके प्रश्नों को लिया जा सकेगा। तो अभी हमने हर्षवर्धन जी का प्रश्न लिया था। जब तक शेयर के टैग नहीं आएंगे आप लोगों के, तो आपके प्रश्नों को लेने की संभावना नहीं बन पाती है। अगला प्रश्न लेने से पहले मैं प्रश्न देखना चाहूंगा, तब तक आप लोग लाइक और शेयर करते रहें। जी काजल ठक्कर जी, काजल ठक्कर जी आपका प्रश्न ले रहा हूं, लेकिन उससे पहले आप लाइक का बटन प्रेस करें अगर आप लाइन पे हैं। काजल ठक्कर जी, काजल ठक्कर जी अगर आप लाइन पे हैं तो कृपया लाइक का बटन प्रेस करें, आपके प्रश्न को लिया जा सके। काजल ठक्कर जी ने प्रश्न पूछा है कि लाइफ फाइनली कब मिलेगा। आपने ये प्रश्न कुछ ठीक सा नहीं लिखा है, समझ में नहीं आ रहा है कि जी काजल ठक्कर जी आप लाइन पे हैं तो लाइक बटन प्रेस करें। आपने प्रश्न किया है कि लाइफ फाइनली कब मिलेगा, ये प्रश्न कुछ समझ में नहीं आया। फिर क्या आपने पूछा है, प्लीज गाइड कहां से सर्च करूं एंड कहां से सर्च करूं, और मैं बिजनेस प्रोफाइल सीख कर रही हूं, ऑल विधि हैज बीन डन, कुंभ विवाह एंड एंगेजमेंट हैज बीन ब्रोकन। जी तो आपने ढेर सारे प्रश्न कर डाले हैं, ऑल विधि हैज बीन डन, कुंभ विवाह एंड एंगेजमेंट हैज बीन ब्रोकन, आपका मैरिज मीन्स आपका एंगेजमेंट टूट गया है, जबकि आपने कुंभ विवाह किया हुआ है, आप ये कहना चाह रही हैं, और बिजनेस प्रोफाइल सीख कर रही हूं। जी कुछ ठीक सा प्रश्न नहीं लग रहा है, कृपया स्पष्ट प्रश्न लिखें, और ऊपर से शायद आप अवेलेबल नहीं है तो आपके प्रश्न को लेना संभव नहीं हो पाएगा। अगर आप अवेलेबल हैं काजल ठक्कर जी तो लाइक बटन प्रेस करें। काजल ठक्कर जी आप अगर लाइन पे हैं तो लाइक बटन प्रेस करें। आप लाइन पे नहीं हैं, आप लाइन पे नहीं हैं, अगर आप लाइन पे हैं तो लाइक बटन प्रेस करें ताकि आपके प्रश्न को लिया जा सके। जी आप लाइन पे नहीं है इसलिए आपके प्रश्न को नहीं लूंगा, वो भी आपका प्रश्न कुछ क्लियर सा नहीं है, आपने बहुत लंबी कहानियां लिख डाली हैं जो पूरी तरह से समझ में नहीं आ रही। अगला प्रश्न लेने जा रहा हूं, संदीप कुमार जी, संदीप कुमार जी का प्रश्न है। संदीप कुमार जी अगर लाइन पे हैं तो कृपया लाइक बटन प्रेस करें। संदीप कुमार जी अगर आप लाइन पे हैं तो लाइक बटन प्रेस करें ताकि आपके प्रश्न को लिया जा सके। संदीप कुमार जी, जी संदीप कुमार जी का प्रश्न लिया जा रहा है। संदीप कुमार जी ने प्रश्न पूछा है कि मेरा प्रमोशन कब होगा और प्रॉस्पेरिटी इन लाइफ ओन हाउस नीली एंड रुद्राक्ष। जी आपने कई प्रश्न पूछ डाले हैं संदीप कुमार जी, सिर्फ एक ही प्रश्न पूछना होता है। आपने अच्छा किया कि आपने ये बताया कि आपने क्या पहन रखा है, तो कोई आपका एक ही प्रश्न लेने जा रहा हूं कि प्रमोशन कब होगा, क्योंकि आपने चार पांच प्रश्न पूछे हैं। एक दिन में एक व्यक्ति से एक प्रोग्राम में एक ही प्रश्न लेना है मुझे संदीप कुमार जी। तब तक आप लोग बाकी लोग कृपया प्रोग्राम को शेयर करते रहे, प्रोग्राम को शेयर जरूर करें आप लोग। जी तो संदीप कुमार जी का प्रश्न है, जब तक आप लोग शेयर नहीं करेंगे प्रोग्राम को तो आपके प्रश्नों को लेना हमारे लिए संभव नहीं हो पाएगा। प्रोग्राम को शेयर करना है, नीचे शेयर का बटन होता है। जी संदीप कुमार जी का प्रश्न है और इनका डेट ऑफ बर्थ है 23 जनवरी 1976, 23 जनवरी 1976, 5:30 शाम का समय है। जन्म स्थान भरतपुर राजस्थान। जी लाइन पर हैं क्योंकि एक भरतपुर मध्य प्रदेश में भी है तो मैन्युअली मुझे ढूंढना पड़ेगा, आप लाइन पर हैं। सभी लोग लाइन पर हैं और प्रोग्राम को शेयर करते रहे हैं।
तब तक हम सर्च कर लेते हैं। जी भरतपुर एक हमें मिल चुका है, राजस्थान में भी भरतपुर है और मध्य प्रदेश में भी एक भरतपुर है। कृपया लाइन पर रहें। जी संदीप कुमार जी, 23 जनवरी 1976, 5:30 शाम का समय है, भरतपुर राजस्थान, 1976 भवन नहीं है। इनका प्रश्न है कि मेरा प्रमोशन कब तक होगा। जी मुझे लग रहा है आपके प्रश्न का उत्तर दिया गया है पहले भी, फिर भी शनि की महादशा चल रही है और अंतरदशा चल रही है अभी, सूर्य की अंतरदशा है जो कि खत्म हो चुकी है, अभी चंद्रमा की अंतरदशा चल रही है, चंद्रमा की अंतरदशा है, शनि में चंद्रमा 10-11, शनि यहां पे है, चंद्रमा को देखूं तो यहां पे है, चतुर्थ में शनि लग्न में बैठे हुए हैं, सप्तम और अष्टम के स्वामी होके, और जो अंतरदशा भी चल रही है वह चंद्रमा की है। चंद्रमा विराजमान है चतुर्थ भाव में, 3 डिग्री के हैं और लग्नेश है। आपका प्रश्न है कि प्रमोशन कब तक होगा। जी लाइन पर रहें, कृपया लाइन पर बने रहें। कृपया लाइन पे बने रहें। जी कृपया लाइन पे बने रहें। आप चंद्रमा का अभी समय चल रहा है और 15/6/2024 तक चंद्र का समय है। जून 2024 तक के अंदर संभावना बन रही है आपके प्रमोशन की। ध्यान रहे आप अपने कंपनी अपने ऑर्गेनाइजेशन की एलिजिबिलिटी को पूरा कर रहे होंगे, तभी ये योग काम आएंगे, और प्रयास करते रहिए, चंद्रमा को मजबूत कीजिए। कृपया जून 2024 से पहले पहले आपकी संभावना बनती है प्रमोशन की। चंद्रमा को मजबूत कीजिए, 3 डिग्री के हैं चंद्रमा, जो अच्छी बात नहीं है, लग्नेश है ये। आपने कुछ धारण कर रखा है, लाइन पर है, आपने नीली एंड रुद्राक्ष धारण कर रखा है। रुद्राक्ष तो धारण कर रखा है लेकिन आपने ये नहीं बताया कि रुद्राक्ष कितने मुखी धारण कर रखा है। ठीक है, आप कृपया करके एक राहु का दान कीजिए, आप राहु का, राहु संबंधित वस्तुओं का दान कीजिए और एक मोती धारण कीजिए। राहु संबंधित वस्तुओं का आपको दान करना है और एक मोती धारण करना है दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, लगभग 1.25 या 1.75 रत्ती का। यह रत्न हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। जी और राहु से संबंधित चीजों का आपको दान करना है शनिवार को। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए संदीप कुमार जी। तो आप सभी लोग हमसे जुड़ रहे हैं लेकिन मैं देख रहा हूं कि बहुत से लोग प्रश्न तो डाल रहे हैं लेकिन शेयर नहीं कर रहे हैं। कृपया कृपया प्रोग्राम को शेयर करें। अगर आप प्रोग्राम को शेयर नहीं करेंगे तो आपके प्रश्नों को लेने की संभावना नहीं बनती है। जब तक और लोग जुड़ रहे हैं कृपया प्रोग्राम को शेयर कीजिए। आपके स्क्रीन पर नीचे एक शेयर का टैग आ रहा होगा, आप शेयर कीजिए। अगर प्रश्न लेने से पहले मैं कहना चाहूंगा, जो लोग ज्योतिष सीखने के इच्छुक हैं वो लोग, जो लोग भी ज्योतिष सीखने के इच्छुक हैं वो हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, हमारे एप्लीकेशन पे जा सकते हैं।
और वहां से वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टेंट एक्सेस है, कोर्स ज्वाइन करते ही आपको वहां पर इंस्टेंट एक्सेस मिल जाता है। फ्री रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, 3 कोर्सेज हैं। वेबसाइट की लिंक आपको कमेंट में मिल गया है, डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। जी अगला प्रश्न लेते हैं हम। अब किसका प्रश्न लेना है देखते हैं, किसने किसने शेयर किया है। जी अभी हम प्रश्न लेने जा रहे हैं राजा नंदी जी का। राजा नंदी जी आप लाइन पे हैं तो कृपया लाइक बटन प्रेस करें। ताकि आपके प्रश्न को लिया जा सके। राजा नंदी जी 10/11/1983, अगर आप लाइन पे हैं तो लाइक बटन प्रेस करें राजा नंदी जी, ताकि आपके प्रश्न को लिया जा सके। राजा नंदी जी 10/11/1983 और जो समय है 2:01 दोपहर का, 2:01 दोपहर का, और जन्म स्थान है इनका कृष्णनगर वेस्ट बंगाल। लाइन पर हैं आप, मुझे ये सर्च करना पड़ेगा क्योंकि ये ले नहीं रहे हैं। कृष्णनगर लाइन पर हैं कृपया। कृष्णनगर या कृष्णा नगर है, कृष्णनगर ये जहां तक मुझे लग रहा है ये कृष्णनगर है। मैं कृष्णनगर मान के वेस्ट बंगाल में ही है आपकी कुंडली बना रहा हूं। लाइन पर हैं आप, कृष्णनगर ये वेस्ट बंगाल। लाइन पर हैं कृपया, क्योंकि सिस्टम ले नहीं रहा है। आपने जो डिटेल्स डाली हैं वो मैच नहीं करें, होल्ड करें आप। राजा नंदी जी कृपया लाइन पर हैं। कृष्णनगर जी मिल गया है, मैन्युअली सर्च करना पड़ता है अगर वो नहीं मिलता तो। जी राजा नंदी जी 10/11/1983 2:01 दोपहर का समय है, कृष्णनगर वेस्ट बंगाल, कृष्णनगर वेस्ट बंगाल। जी आपका जो प्रश्न है, जी आपका प्रश्न है कि मैरिज टाइम एंड टाइप ऑफ वाइफ। आप मैरिज टाइम देखिए। जी आपका प्रश्न जो है, आपकी जो कुंडली हमारे समक्ष बन के आ रही है वह लग्न बनते हैं इसके कुंभ और राशि है धनु राशि और कुंभ लग्न की कुंडली है। वर्तमान में राहु का समय चल रहा है और जो अंतरदशा चल रहा है वह चंद्रमा का है, चंद्रमा का इनफैक्ट खत्म होने वाला है। चंद्रमा की अंतरदशा 25 दिसंबर को समाप्त हो जाएगी, उसके बाद मंगल का समय चलेगा और मंगल आपकी कुंडली में तृतीय भाव के और अष्टम भाव के स्वामी है। मंगल तृतीय और अष्टम के स्वामी है, वहीं पर शुक्र नीच के होकर बैठे हुए हैं। लाइन पे रहें आप। जी कृपया लाइन पे रहें। तृतीय 1 और 8 कृपया लाइन पे रहें। जी
जनवरी 2024 के बाद ही आपकी विवाह की संभावना मुझे प्रतीत हो रही है। जनवरी 2024 से लेकर मार्च 2026 के अंदर आपके विवाह की संभावना दिख रही है, मीन्स अगले साल विवाह की संभावना मुझे प्रतीत नहीं हो रही है, अगले साल विवाह की संभावना नहीं दिख रही है। और कृपया शुक्र को अच्छा करें, अपने शुक्र को अच्छा करें, कुंडली मिलाकर ही विवाह करें, कुंडली मिलाकर ही विवाह करें। आपके जो मंगल हैं वो अष्टमस्थ हैं, शुक्र नीच के हैं जो मंगल के साथ विराजमान हैं, तो आपका विवाह जनवरी 2024 से लेके मार्च 2026 के बीच जी विवाह की संभावना है। कृपया शुक्र के अपने शुक्र को ठीक करें, मंगल को भी ठीक करें। मंगल डिग्री में कमजोर है, ठीक है, लेकिन वो गलत घर में बैठे हुए हैं। मंगल को आपको अच्छा करना है। आप एक तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करें और मंगल के बीज मंत्रों का जाप करें। हमारे YouTube चैनल पे इनके बीज मंत्र हैं, काउंटेड हैं 108 बार। आप वहां सुनते हुए भी उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में। शुक्र नीच के होके अष्टमस्थ मंगल के साथ शुक्र को भी ठीक करना है। लक्ष्मी जी की आराधना कीजिए, शुक्र के बीज मंत्रों का जाप कीजिए। अगर ये करने में थोड़ी सी असमर्थता भी है तो आप एक छह मुखी रुद्राक्ष धारण करें जी। आप इतना कर लीजिए, बाकी कुंडली में कई और ऐसी स्थितियां हैं कि कुंडली को एक बार फिर से देखने लायक है। ध्यान रखें जो सप्तमेश हैं शुक्र सूर्य, वो भी अच्छी स्थिति में नहीं है, तो इसमें तो कुंडली में पूर्ण विश्लेषण करने की आवश्यकता है। किसी भी विद्वान को आप पूर्ण विश्लेषण कराइए जी, लेकिन कुंडली मिला के ही विवाह कीजिएगा, नहीं तो वैवाहिक जीवन में समस्याएं दिख रही जी। बहुत बहुत धन्यवाद। राजा नंदी जी का प्रश्न थे और हमने अभी उसी पर चर्चा कर रहे थे। जी काजल ठक्कर जी, आप अभी शायद लाइन पे आई हैं और आपका नाम अनाउंस हो रहा था लेकिन आप तब नहीं थी। प्रश्न को स्पष्ट लिखें, एक लाइन में प्रश्न लिखें। आपने कुछ ज्यादा ही लिख दिया है जो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कृपया प्रश्न को पूरा लिखें। काजल ठक्कर जी, आपका नाम अनाउंस हो रहा था, आप नहीं थी, उस समय आपके प्रश्न को नहीं लिया गया, इसलिए प्रश्न को एक लाइन में स्पष्ट लिखें, एक ही प्रश्न लिखें जी, ताकि हम आपके प्रश्न को ले सकें। तब तक आप कमेंट में लिखिए, हम अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं हम, उससे पहले हम पूछना चाहेंगे शिल्पा खजूरिया जी। शिल्पा खजूरिया जी आप लाइन पे हैं, अगर लाइन पे हैं तो कृपया लाइक बटन प्रेस करें। शिल्पा खजूरिया जी लाइन पे हैं तो लाइक बटन प्रेस करें ताकि आपके प्रश्न को लिया जा सके। अगर आप लाइन पे नहीं होंगी तो आपके प्रश्न को नहीं लेना संभव नहीं हो पाएगा। शिल्पा खजूरिया जी क्या आप लाइन पे हैं? आपने प्रश्न पूछा था कि फ्यूचर एंड मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, तो आप अभी लाइन पे शायद नहीं है इसलिए आपके प्रश्न को हम नहीं ले रहे हैं, और आप दोबारा अभी आएंगे तो भी हम आपके प्रश्न को आज नहीं ले पाएंगे। कारण है, ऑलरेडी अनाउंस किया गया है और शुरू से बोल रहा हूं कि जो लोग आ रहे हैं शेयर कर रहे हैं वो यहीं पर हैं। फ्यूचर के लिए भी बोल रहा हूं, जो लोग दीपिका मगोत्रा जी आप ये इमोजी कर रही हैं इसलिए आपके प्रश्न को मैं नहीं लूंगा आज। आप अपने क्वेश्चन को अट्रैक्ट करने के लिए गुस्से का इमोजी अगर डाल रही हैं तो मैं आपके प्रश्न को नहीं लूंगा। लेने वाला था आपके प्रश्न को लेकिन अब आपके प्रश्न को आज नहीं लूंगा। दीपिका शर्मा जी, दीपिका शर्मा मगोत्रा जी आपके प्रश्न को नेक्स्ट आदि का प्रश्न था लेकिन आप इमोजी डाल के पता नहीं क्या दिखाना चाह रहे हैं इसलिए मैं आज आपके प्रश्न को नहीं लूंगा। क्षमा करें, बिल्कुल नहीं लूंगा, ये बिल्कुल बैड टेक्निक है। मैं आपके प्रश्न को लेने वाला था, मेरे स्क्रीन पे आपका ही प्रश्न था, आज नहीं लूंगा। अब आप नेक्स्ट टाइम ट्राई कीजिएगा, आपको ये टेक्निक यूज नहीं करनी चाहिए। प्रोग्राम पसंद नहीं आ रहा, कृपया आप लोग जिनको प्रोग्राम नहीं पसंद आ रहा है कृपया, बहुत से लाइव ग्रुप चलते हैं आप उसमें जा सकते हैं, लेकिन इस तरह के इमोजीज डालना गुस्से में
गुस्सा मुझे कृपया मत दिखाई, क्षमा करें, आपके प्रश्न ही मैं लेने जा रहा था, लेकिन अब आपका प्रश्न नहीं लूंगा, आज नहीं लूंगा, बिल्कुल नहीं। कल पर्सनली मैंने आपके लिए अनाउंस किया था, क्या दीपिका शर्मा मंगोत्रा जी लाइन पे हैं? क्योंकि कल भी मैं आपके प्रश्न को लेने वाला था, तब आप नहीं थे वहां पे, दीपिका मंगोत्रा जी तब आप वहां पे अवेलेबल नहीं थे, जबकि मुझे पता था कि पिछले दिन भी आपको जरूरत थी, आपके प्रश्न को मैं लेने वाला था, लेकिन कल नहीं थे, मैंने पर्सनली अनाउंस किया था, और आज मैं फिर लेने वाला था और उसी समय आपका ये इमोजी दिख गया, आज मैं आपके प्रश्न को नहीं लूंगा, क्षमा करें दीपिका मंगोत्रा जी, आपके प्रश्न को दिखाना ही है तो आप कल दिखाइएगा, आज नहीं लूंगा, क्योंकि आपकी वो बैड हैबिट है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। अगला प्रश्न हम हिना सैयद जी का लेने जा रहे हैं। हिना सैयद जी आप लाइन पे हैं तो लाइक बटन प्रेस करें कृपया। हिना सैयद जी, जो लोग भी प्रश्न डाल रहे हैं कृपया शुरू से अंत तक लाइन पे रहें, अगर वो प्रोग्राम को छोड़ के जा रहे हैं तो उनके प्रश्न को ले पाना संभव नहीं हो पाता है। हिना सैयद जी क्या आप लाइन पे हैं? आपने प्रश्न पूछा है कि शादी कब होगी और हस्बैंड कैसा मिलेगा। जी बढ़िया प्रश्न है, लेकिन आपको लाइन पे होना चाहिए, आप लाइन पे नहीं होंगे तो हम आपके भी प्रश्न को नहीं लेंगे। आप लाइन पे हैं तो लाइक बटन प्रेस कीजिए। जी आप लाइन पे नहीं हैं, आपके प्रश्न को भी मैं नहीं लूंगा। जो लोग सिर्फ प्रश्न डाल के उसके बाद फिर यहां से चले जा रहे हैं तो क्षमा करें, अगर हम समय दे रहे हैं अपना तो आप सबकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग लाइन पे बने रहे कम से कम तब तक जब तक आपका प्रश्न का टर्न ना आ जाए। अगर आप अपना प्रश्न डाल रहे हैं तो कृपया लाइन पे बने रहें। हिना सैयद जी फिर अनाउंस कर रहा हूं, हिना सैयद जी अगर आप लाइन पे हैं तो कृपया लाइक बटन प्रेस करें ताकि आपके प्रश्न को लिया जा सके। जी जो भी यहां पे हम बोलते हैं और जो आप देखते हैं उसमें कुछ सेकंड्स का गैप होता है, तो मैं समझ सकता हूं कि थोड़ा सा डिले हो रहा होगा, लेकिन इतना डिले नहीं होता, 15 से 20 सेकंड का डिले होता है। जी क्या हिना सैयद जी लाइन पे हैं? जी हिना सैयद जी का प्रश्न लिया जा रहा है अभी। हिना सैयद जी आपका प्रश्न लिया जा रहा है, आप लाइन पर हैं। ये कराची पाकिस्तान से हैं और इनका प्रश्न है विवाह को लेके, इनका प्रश्न लिया जा रहा है अब। हिना सैयद जी ने सना के लिए प्रश्न किया है। इन्होंने जो बर्थ डिटेल्स दिया है 4/9/1988 और 8:45 PM का समय है, 8:45 PM और ये पाकिस्तान से है। और जो इन्होंने शहर लिखा है कराची, लाइन पे रहे। जी हिना सैयद जी ने सना जी के लिए प्रश्न किया है 4/9/1988 रात में 8:45 कराची पाकिस्तान। तो इनका जो प्रश्न है वो है कि शादी कब होगी, हस्बैंड कैसा मिलेगा। जी शादी कब होगी ये एक प्रश्न है, और हस्बैंड कैसा मिलेगा, शुक्र चंद्र शुक्र पे किसी का प्रभाव है क्या। एक मिनट लाइन पे रहे आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जी सना जी को ऐसा हस्बैंड पसंद आएगा जो देखने में बहुत खूबसूरत हो, देखने में खूबसूरत हो, ऐसा इनको हस्बैंड पसंद आएगा। बाकी कुछ करे या ना करे इनसे ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन इनको हैंडसम हस्बैंड पसंद आएगा। आपका प्रश्न है कि विवाह कब होगा, लाइन पे रहे। शनि की महादशा है, शनि की महादशा है और अंतरदशा जो चल रही है आपकी कुंडली के अनुसार वो भी शनि की ही है। शनि आपकी कुंडली में एकादश और द्वादश भाव के स्वामी हैं और दशम भाव में
विराजमान है। 25 बुध, बुध लाइन पे रहे हैं, बुध बुध जी जी। जो स्पष्ट रूप से मुझे दिख पा रहा है उसके अनुसार अगर मैं कहूं नवंबर 2025 के बाद विवाह की संभावना प्रबल रूप से बन रही है। नवंबर 2025 के बाद विवाह की संभावना बन रही है। 25 से 28 विवाह का ही समय चल रहा है। आप कभी भी तब विवाह कर लें तो नवंबर 2025 के बाद ही संभावना मुझे स्पष्ट रूप से दिख रही है जी। बहुत बहुत धन्यवाद हिना सैयद जी जुड़ने के लिए। जो लोग भी इस प्रोग्राम से जुड़ रहे हैं कृपया प्रोग्राम को शेयर करते रहें। जो लोग ज्योतिष सीखने के इच्छुक हैं, प्री रिकॉर्डेड इंस्टेंट एक्सेस वाला ज्योतिष कोर्स है, 3 कोर्सेज है, वो हमारी वेबसाइट का लिंक है, आप लोग जा सकते हैं, हमारी डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग कुंडली विश्लेषण करना चाहते हैं वहां कॉन्टैक्ट नंबर है, वहां संपर्क कर सकते हैं, हमारा जो 27 नक्षत्रम का स्टाफ है आपको गाइड करेगा। अगला प्रश्न लेने से पहले सभी से कहना चाहूंगा कृपया प्रोग्राम को शेयर करते रहें। शेयर करेंगे, शेयर का टैग मिलेगा, तभी आपके प्रश्न को लूंगा जी। अनिल शर्मा जी का प्रश्न है। अनिल शर्मा जी आप लाइन पे हैं जम्मू से? अनिल शर्मा जी अगर आप लाइन पे हैं तो कृपया लाइक बटन प्रेस करें ताकि आपके प्रश्न को लिया जा सके। अनिल शर्मा जी, अर्जुन देव जी, अनिल शर्मा जी अगर आप लाइन पे हैं तो कृपया लाइक बटन प्रेस करें ताकि आपके प्रश्न को लिया जा सके। जब तक आप लाइक बटन प्रेस कर रहे हैं मैं जवाब देना चाहूंगा अर्जुन देव जी का। अर्जुन देव जी, कोर्स निःशुल्क नहीं है, पेड कोर्स है, 3 कोर्सेज हैं, ज्योतिष विद्यार्थी, ज्योतिष प्रवर और ज्योतिष वरिष्ठ, तीनों को मिला के लगभग 77 वीडियोज हैं। आप लोग लिंक पे जाएंगे आपको उसके बारे में वहां पे मिलेगा कि उसमें क्या है, उसमें हर एक कोर्स के अंदर एक छोटा सा वीडियो भी डाल रखा है हमने, अगर आप वो जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। जो भी अपना करियर इस ओर बनाना चाहते हैं ज्योतिष की तरफ, वो इस कोर्स को करके अपना करियर भी शुरू कर सकते हैं जी। तो अनिल शर्मा जी का प्रश्न लेते हैं हम। अनिल शर्मा जी ने प्रश्न किया है, हम बहुत बढ़िया प्रश्न है, सिंगर बनने के योग, लाइन पे रहे आप अनिल शर्मा जी। अनिल शर्मा जी का प्रश्न लिया जा रहा है। आप लोग तब तक प्रोग्राम को शेयर करते रहे। 20 फरवरी 1987 जो लोग प्रोग्राम को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, उन्हीं की संभावना बनती है कि हम उनके प्रश्न को लें। रात में 11:25 का इनका जन्म है और जन्म स्थान जम्मू। जी अनिल शर्मा जी ने प्रश्न किया है और 20 फरवरी 1987 रात में 11:25 जम्मू से इनका प्रश्न है कि क्या सिंगर बनने के योग हैं? क्या लाइन पे रहे? आपकी कुंडली में बढ़िया बात है, लाइन पे रहे आप। 2 और 7 शुक्रिया। 3 और 6 3 और 6 बुध यहां पर विराजमान है, शनि के घर में शनि विराजमान है वहां पे, और 1 2 3 4 जी लाइन पे रहे अंकल बैठे यहां पे विराजमान है 7 और 8 अपनी ही राशि देख रहे हैं जी। बढ़िया बुध 3 6 6 4 चंद्र जी। जी हाँ अनिल शर्मा जी, आप
सिंगर बनने के योग हैं, आप ट्राई कर सकते हैं, आप ट्राई कीजिए। बुध की स्थिति भी ठीक है, बुध आपकी कुंडली में नवमेश है और वो पंचम भाव में बैठे हैं, मतलब एक त्रिकोण के स्वामी है, दूसरे त्रिकोण में विराजमान है और जहां पे बैठे हैं बुध पंचम भाव में, तो पंचमेश स्वयं वाणी के भाव में विराजमान है जो कि द्वितीय भाव होता है, और द्वितीय भाव पर मंगल की ही दृष्टि पड़ रही है जो कि मंगल का ही घर है, ठीक है। और बुध की दृष्टि स्वयं पड़ रही है आय भाव पर पड़ रही है, तो आप इससे इसको अपने करियर की तरह से ले सकते हैं, आप इसको अपने करियर की तरह से ले सकते हैं, अच्छी संभावना बनती है। जी अनिल शर्मा जी, आप कृपया प्रयास करें, रियाज करें, धन्यवाद। अगला प्रश्न, उससे पहले हम मैं बताना चाहूंगा कि शिल्पा खजूरिया जी, आपके प्रश्न को हमने लिया हुआ है आज, लेकिन आप लाइन पे नहीं थे, इज इट सो? आज हमने प्रश्न को नहीं लिया हुआ है क्योंकि ये थे नहीं। जी करेक्ट, शिल्पा खजूरिया जी, आपके नाम को कई बार आज अनाउंस किया गया, आपके प्रश्न को हम ले रहे थे लेकिन आप उस समय अवेलेबल नहीं थे, इसलिए हम आज आपके प्रश्न को नहीं ले पाएंगे। मैंने शुरू में ही प्रोग्राम के रोज बोलता हूं, आज भी बोला, जो लोग प्रश्न डालते हैं जब तक उनका प्रश्न ना आए या प्रश्न ये प्रोग्राम खत्म ना हो तब तक वो लाइन पे बने रहे। मैं यहां पर गला को फाड़ फाड़ के आपका नाम कई बार अनाउंस किया हूं और भी कई लोगों का, तो दोबारा मैं आज आपके प्रश्न को नहीं लूंगा, कल पुनः ट्राई कीजिएगा। आज आपके प्रश्न का टर्न था लेकिन आप अवेलेबल नहीं थे उस समय, तो बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, कल पुनः आप ट्राई करें। खजूरिया जी के लिए मैं बोलना चाहूंगा, तो अनिल शर्मा जी का हमने प्रश्न लिया और खजूरिया जी, शिल्पा जी, आप नेक्स्ट सेशन में ट्राई करें, और जो भी लोग यहां पे प्रश्न डाल रहे हैं मैं देख रहा हूं, जैसे अर्जुन देव जी हैं, आपका उदाहरण ले रहा हूं, आप बार बार प्रश्न तो डाल रहे हैं लेकिन आप शेयर नहीं कर रहे हैं, अगर इस प्रोग्राम को आप शेयर नहीं करेंगे तो आपके प्रश्न को नहीं लिया जा सकेगा, ये सभी के लिए ध्यान रखें, मैं आपका तो सिर्फ नाम बोला हूं, सभी के लिए बोल रहा हूं, अगर आप प्रोग्राम शेयर नहीं करेंगे आपके प्रश्न को नहीं लिया जा सकता, और जो लोग प्रोग्राम शेयर करने के बावजूद भी यहां पे अवेलेबल नहीं है उनके भी प्रश्न को ले पाना हमारे लिए संभव नहीं हो पाता, क्योंकि आप सुनेंगे ही नहीं तो फिर हम यहां पे क्या बताएंगे। जी अगला प्रश्न हम गणेश तिमिल सिन्हा जी का लेंगे। गणेश जी, क्या आप लाइन पे हैं? लाइन पे हैं तो लाइक बटन प्रेस करें ताकि आपके प्रश्न को लिया जा सके। गणेश तिमिल सिन्हा जी, क्या आप लाइन पे हैं? अगर आप लाइन पे हैं तो लाइक बटन को प्रेस करें ताकि आपके प्रश्न को लिया जा सके। जी धन्यवाद। तो अगला प्रश्न है गणेश तिमिल सिन्हा जी का, इनका प्रश्न है, करियर क्या अच्छा होगा, राहु की दशा कैसी जाएगी? जी आधी बात तो आप लोग खुद ही बोलते हो कि राहु की दशा क्या जाएगी, तो अब हम उसमें क्या बोले, ठीक है। गणेश तिमिल सिन्हा जी, आपके प्रश्न को हम ले रहे हैं, लाइन पे बने रहे। जो लोग ज्योतिष सीखने के इच्छुक हैं कृपया हमारे कोर्स को ज्वाइन करें, इंस्टेंट एक्सेस है, बहुत से लोग ज्वाइन किए हुए हैं, ऑलरेडी चल भी रहा है, उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग कोर्स हमारा कर रहे हैं। 13/8/2000 इनका डेट ऑफ बर्थ है, 13/8/2000 और 8:45 सुबह का समय है। जन्म स्थान इन्होंने लिखा हुआ है पोखरा। जी एक पोखरा उत्तर प्रदेश में है, लेकिन मुझे नहीं पता आप कहां से हैं, ये पोखरा को उत्तर प्रदेश में ले रहा है। आप कृपया क्लियर करें कमेंट में कि ये किस जगह है पोखरा।
तभी आपके प्रश्न को ले पाना संभव होगा। आधा अधूरा प्रश्न डाल रहे हैं आप। पोखरा कहाँ है, किस जिले में, ये जरूर लिखें। क्या वो इंडिया में है या कहीं और है? गणेश जी आपसे बोल रहा हूं, कृपया कमेंट में लिखें ये स्थान कहाँ पे है, जो आपने जन्म स्थान लिखा है पोखरा, ये किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? क्योंकि तो एक पोखरा उत्तर प्रदेश में है, कुछ और भी नेपाल, तो आपको ये लिखना चाहिए जी। कृपया लाइन में बने रहे। जी गणेश जी का प्रश्न है कि 13/8/2845 सुबह का जन्म नेपाल में पोखरा, और इन्होंने प्रश्न किया है कि करियर क्या अच्छा होगा, राहु की दशा कैसी जाएगी। राहु की महादशा चल रही है अभी, जैसा कि इन्होंने बताया, राहु की अंतरदशा अभी खत्म होने वाली है, 7 फरवरी 2023 को राहु की अंतरदशा समाप्त हो जाएगी, लेकिन महादशा 2028 तक चलती रहेगी, उसके बाद गुरु की अंतरदशा स्टार्ट होगी। आप लाइन पे रहे। जी पहली बात, इस समय आपके मन का भटकाव बना रहेगा, ध्यान रखिए मन का भटकाव बना रहेगा, वाणी पे कंट्रोल रखिएगा, वाणी पे अपने कंट्रोल रखिएगा और मन का भटकाव बना रहेगा। राहु बुध के साथ है, बुध को प्रभावित कर रहे हैं, वाणी पे कंट्रोल रखिएगा इस राहु की महादशा में। अंतरदशा अभी गुरु के चलने वाली है, और आपकी कुंडली में मैं देख पा रहा हूं कि गुरु नवम भाव में विराजमान है, और स्वामी हैं वो दो केंद्रों के स्वामी हैं, दो केंद्रों के स्वामी हैं, चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी होकर वे बैठे हुए हैं नवम भाव में। बढ़िया बात है। तो अभी जो गुरु का समय शुरू होने वाला है 10-11 जी, और यहां पे दूसरे त्रिकोण के स्वामी शनि भी बैठे हुए हैं, बहुत बढ़िया बात है। ये गुरु का समय आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन राहु की महादशा है, हालांकि राहु 1 डिग्री पर है, ठीक है, ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये एक अस्थिरता लाएंगे आपके जीवन में। आप बड़े बड़े प्लान बनाएंगे, लेकिन उस प्लान को पूर्ण करने के लिए प्रयास भी आप करेंगे तो भी बीच में उन कामों को आप रोक देंगे, छोड़ देंगे, कुछ दूसरा प्लान करेंगे, इस तरह से मन भटकता रहेगा आपका। और वैसे भी आपकी कुंडली में मैं देख पा रहा हूं कि केमद्रुम दोष भी बन रहा है, केमद्रुम दोष का निर्माण हो रहा है, मन आपका स्थिर नहीं रहता है, मन आपका स्थिर नहीं रहता है। हालांकि गुरु की अच्छी दृष्टि चंद्र पर पड़ रही है, दोष का थोड़ा सा निवारण हो रहा है, लेकिन फिर भी दोष तो तब भी रहेगा ही। तो चंद्रमा को आपको मजबूत करना है, इनकी आराधना करें, पानी व्यर्थ में ना गवाएं, रात्रि में जल्दी सोएं और एक दो मुखी रुद्राक्ष धारण कर लें। रही बात अभी गुरु का समय होने, फरवरी 2023 के बाद गुरु का समय है, तो इस राहु की महादशा में गुरु की अंतरदशा 2025 तक अच्छा फल देगी आपको, ध्यान रखें। तो अगर आप ये प्रश्न पूछते हैं राहु की महादशा कैसी रहेगी, तो पूरा कहना पूरा अच्छा या खराब नहीं होता है, कारण है उसका, हर एक महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा सूक्ष्म दशा प्राण दशा में विभक्त होती है, तो कोई भी एक महादशा अच्छी या खराब नहीं हो सकती है, उसमें अन्य सभी ग्रहों का समय आता रहता है। तो अभी वर्तमान में गुरु के समय शुरू होने वाला फरवरी 2023 से वो आपका अच्छा समय रहने की संभावना बन रही है, भाग्य आपका उसमें साथ देगा जी, भाग्य उस समय साथ देगा आपका, व्यक्तित्व में निखार आएगा आपके, 6-7 परिश्रम थोड़ा सा हो सकता है ज्यादा करना पड़े, ठीक है, लेकिन वो बहुत बढ़िया समय आपका जाने वाला है जी। बहुत बहुत धन्यवाद गणेश जी नेपाल से हमसे जुड़ने के लिए। जी अगला प्रश्न हम लेने जा रहे हैं वीना महेश्वरी जी का। वीना महेश्वरी जी आपका प्रश्न हम लेने जा रहे हैं, और ये
सिंध पाकिस्तान से हैं और इनका प्रश्न हम लेने जा रहे हैं। अगर आप लाइन पे हैं तो लाइक बटन प्रेस करें, तभी आपके प्रश्न को ले पाना संभव होगा, तभी आपके प्रश्न को ले पाना संभव होगा। वीना महेश्वरी जी, अगर आप लाइन पे हैं तभी आपके प्रश्न को लूंगा, लाइन पे हैं तो लाइक बटन प्रेस करें। वीना महेश्वरी जी, क्या आप लाइन पे हैं? आपने इतनी दूर से प्रश्न पूछा इसलिए हम उसको स्किप नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन आप लाइन पे नहीं हैं। अगर आप लाइन पे हैं तो लाइक बटन प्रेस करें। जी, आप लाइन पे नहीं हैं तो इसलिए आपके प्रश्न को मैं छोड़ रहा हूं, जो लोग नहीं हैं उनके प्रश्न को नहीं ले पाऊंगा। अगला प्रश्न, जी सोनू शर्मा जी, सोनू शर्मा जी आप लाइन पे हैं तो लाइक बटन प्रेस करें। सोनू शर्मा जी आप लाइन पे हैं तो लाइक बटन प्रेस करें। सोनू शर्मा जी आप लाइन पे हैं तो लाइक बटन प्रेस करें ताकि आपके प्रश्न को लिया जा सके। 10 सेकंड और वेट करूंगा मैं, अगर आप लाइन पे हैं तभी आपके प्रश्न को लूंगा। सोनू शर्मा जी जम्मू से, क्या स्क्रीन पे आ रहा है अब तक? जी सोनू शर्मा जी, आपका अनाउंसमेंट किया गया। वीना महेश्वरी जी पाकिस्तान से थी, उनके भी नाम को अनाउंस किया गया, लेकिन वो प्रश्न डाल के शेयर करके भी यहां उपलब्ध नहीं थी, इसलिए उनके प्रश्न को नहीं लिया जा सकेगा। सोनू शर्मा जी ने उनके भी प्रश्न को, हमने उनके नाम को भी अनाउंस किया, उनके प्रश्न को लेने की कोशिश की, लेकिन वो उपलब्ध नहीं थी। एक अगला प्रश्न मैं लेने जा रहा हूं नितेश वत्स जी का। नितेश जी अगर आप लाइन पे हैं तो लाइक बटन प्रेस करें। नितेश जी आप लाइन पे हैं तो लाइक बटन प्रेस करें ताकि आपके प्रश्न को लिया जा सके। नितेश जी आप लाइन पे हैं तो लाइक बटन प्रेस करें ताकि आपके प्रश्न को लिया जा सके। नितेश वत्स जी, क्या आप लाइन पे हैं? लाइन पे हैं जी, तो नितेश जी आपके प्रश्न को लिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद नितेश वत्स जी, आपके प्रश्न को लिया जा रहा है, आप लाइन पे बने रहे। जो लोग अवेलेबल नहीं थे, प्रश्न डाल के चले जाते हैं, उनके प्रश्न को ले पाना हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि आप सुनी रहे नहीं रहे होंगे उस समय, तो हम कहां से आपके प्रश्न को लेंगे। तो नितेश वत्स जी लाइन पे, इसलिए इनके प्रश्न को ले रहा हूं। 12/7/2000 नितेश वत्स जी ने प्रश्न किया है और इनका डेट ऑफ बर्थ है 12/7/2000 12/7/2000 12:30 सुबह का, यानी एएम का जन्म है। और जन्म स्थान इन्होंने लिखा है, होल्ड करें, जिन्होंने जन्म स्थान लिखा है फरीदाबाद हरियाणा। जी आपकी कुंडली हमारे समक्ष है और आपका प्रश्न है, आपने दो प्रश्न पूछे हैं, सभी से बताना चाहूंगा एक ही प्रश्न का, एक व्यक्ति से एक ही प्रश्न एक दिन में, शादी और जॉब के बारे में पूछना है। तो आपने जो प्रश्न है वो क्लियर नहीं है, ध्यान रखें। शादी और जॉब के बारे, शादी के बारे में क्या पूछना चाहते हैं, शादी कब होगी, शादी कैसी रहेगी, ये इस तरह के प्रश्न पूछने चाहिए ना आपको। खैर, आपकी शादी कब होगी मैं ये प्रश्न का उत्तर बताने जा रहा हूं, लाइन पर है। बुद्ध की महादशा चल रही है और वर्तमान में जो अंतरदशा चल रही है वो शुक्र की है। बुद्ध की महादशा में शुक्र की अंतरदशा है, लाइन पे रहे आप। उससे पहले बताना चाहूंगा केम द्रुम दोष है आपकी कुंडली में, चंद्रमा को मजबूत करें कृपया। केम द्रुम दोष है आपकी कुंडली में, चंद्रमा को मजबूत करें। एक अनपेक्षित भय सा भरा रहता होगा, डर, एक अलग सा डर बना रहता होगा कई बार, जो आपको भी समझ नहीं आ रहा क्यों ऐसा घबराहट सी हो रही है, डर सा बना रहेगा। अमावस्या या पूर्णिमा के आसपास ये चीज ज्यादा होंगी, ध्यान रखें मन आपका स्थिर नहीं रहता होगा। खैर, आपने जो प्रश्न किया है उस पर आते हैं। आपने प्रश्न किया है शादी कब होगी, लाइन पर है। बुद्ध की महादशा है और वर्तमान में अंतरदशा चल रही है, शुक्र की चल रही है। जी जी, ये विवाह का समय चल रहा है, आपकी कुंडली के अनुसार ये विवाह का समय चल रहा है ऑलरेडी। जून 2025 से पहले पहले आपका विवाह होने की पूरी संभावना बनती है। जून 2025 से पहले आपके विवाह होने की पूरी पूरी संभावना
बन रही है, समय चल रहा है, आप प्रयास करें। 2023 में भी संभावना है, 23 से लेके 2025 के अंदर, जून 2025 के अंदर विवाह की पूरी पूरी संभावना बन रही है। शुक्र जी, तो एक ही प्रश्न आपका लूंगा जो मैंने ले लिया अभी, और आज के प्रोग्राम को मैं यही स्थगित करना चाहूंगा। ऑलरेडी 1.5 आवर हो गए, 1.5 घंटे हो गए, 1 घंटे का प्रोग्राम था। आप लोग जुड़ते रहे और हम सवाल का जवाब देते रहे, इसलिए समय का पता ही नहीं चला। कुछ ऐसी ही है सोशल मीडिया की दुनिया और यह कुंडलियों की जो दुनिया है। तो कल फिर आप लोग हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, जिनके भी मन में प्रश्न है ज्योतिष से संबंधित, शुरू से जुड़िए। कल भी मैं लगभग शाम को 6 बजे शायद अवेलेबल रहूंगा। आप लोग हमसे जुड़िए, फेसबुक पर अपने प्रश्न डालिए, वही एक ही कमेंट में नाम, जन्मतिथि, जन्म समय, जन्म स्थान और एक मुख्य प्रश्न डालिए। रत्न रुद्राक्ष कुछ धारण किया है तो वो आप डालिए, और कृपया जैसे हम सौम्यता के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हैं, आप भी वैसे ही रहें, हमें भी अच्छा लगेगा आपके प्रश्नों का जवाब देने में। और जो लोग कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं हमसे, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, हमारे स्टाफ से कांटेक्ट कीजिए, वो आपको गाइड करेंगे क्या करना होगा, और पूर्ण कुंडली विश्लेषण आप अपना करा सकते हैं सूक्ष्मता के साथ में। जो यहां हम ऑनलाइन बताते हैं, मैं हूं या कोई अन्य विद्वान हूं, तो यहां पे वो एक जनरलाइज प्रेडिक्शन होता है, क्योंकि कुंडली विश्लेषण में समय लगता है। जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारी वेबसाइट है, एप्लीकेशन है, वहां पर जाके आप ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, कोर्सेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं ज्योतिष सीखने के लिए। बहुत ही अच्छे कोर्स हैं, आप अपना करियर भी इस ओर बना सकते हैं उन तीनों कोर्सेस को करने के बाद में। जी बहुत बहुत धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं इसी आशा के साथ। नमस्कार।